स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जुनैद व्लॉग में। और आज हम आ चुके हैं हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के दरमियान में आप लोग कहीं पर भी जो तो फाउंडेशन का काम नजर नहीं आएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 में भी कहीं पर भी जो तो आप लोगों को फाउंडेशन का काम नजर नहीं आएगा हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन में। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कहीं पर भी जो है तो आप लोगों को फाउंडेशन का काम नज़र नहीं आएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड में। और इस वक्त हम लोग जो है तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के दरमियान में चल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, कहीं पर भी जो है तो आप लोग फाउंडेशन का काम नज़र नहीं आएगा हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के दरमियान में। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के साइड में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 के साइड में जो है तो फाउंडेशन का काम कर दिया गया है और फाउंडेशन बनाकर जो है तो रेडी भी कर दिया गया है हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के पुरना आउटर के साइड में। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में जो है तो तकरीबन फाउंडेशन बना दिए गए हैं। मतलब हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के पुरना आउटर से लेके तो माल टेकड़ी या फिर मुतखेड़ आउटर तक के जो है तकरीबन प्लेटफॉर्म नंबर 4 में फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और फाउंडेशन बनाकर जो है तो रेडी कर दिए गए हैं। लेकिन अभी भी जो है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 में फाउंडेशन का काम स्टार्ट नहीं किया गया है हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन में। तो ये थी आप लोगों के लिए हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल जुनैद व्लॉग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।